हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में 2G टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन विद वन रेडियो यूजिंग फीडर केबल। आप यहां पे देख सकते हैं, हम लोग एक रेडियो मतलब सिंगल रेडियो यूज कर रहे हैं, जो है आपका FX-JP। अपने 3G टेक्नोलॉजी के बारे में जाना था, उसमें भी हम लोग फीडर केबल यूज किए थे और सिंगल रेडियो यूज किए थे तीनों सेक्टर के लिए। और 2G टेक्नोलॉजी में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ आपका इसमें रेडियो चेंज हो रहा है। सिस्टम मॉडल आपका वही रहेगा जो हम लोग 3G टेक्नोलॉजी के लिए यूज किए थे। आप अगर देखना चाहते हैं 3G टेक्नोलॉजी के वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो आरब मॉडल यूज कर रहे हैं वो है FX-JP, जो 900 मेगाहर्ट्ज बैंड सपोर्ट करता है। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका टॉप का। आपको 3 J17 इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब जो 900 मेगाहर्ट्ज बैंड सपोर्ट कर सकता है। और फीडर केबल हमको यूज करना है आपका 6 नंबर ऑफ फीडर केबल। आप ये फर्स्ट सेक्टर के हो जाएगा, सेकंड सेक्टर का और थर्ड सेक्टर का। और कनेक्टिविटी मैंने जैसे आपको बताया था 3G टेक्नोलॉजी में, जब 3G टेक्नोलॉजी का मैंने वीडियो बनाया था, तो उसी तरह के कनेक्टिविटी यहाँ पे भी करना है। जैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे आपका एंटीना के पोर्ट में आप 2 फीडर केबल कनेक्ट कर रहे हैं, तो एंटीना का जो पोर्ट रहेगा एंटीना ए और एंटीना बी, तो एंटीना ए का जो है केबल आएगा इसका एंटीना 1 1 पे आएगा, और इसका एंटीना बी का आएगा एंटीना 2 पे आएगा, जो आपका रेडियो मॉड्यूल है। इसका भी वही आएगा, एंटीना ए आएगा आपका 3 नंबर पे, एंटीना बी आएगा 4 नंबर पे, इसका एंटीना ए आएगा 5 नंबर पे और इसका एंटीना बी आएगा 6 नंबर पे। मतलब इस तरह की कनेक्टिविटी करना है, क्रॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर क्रॉस हो जाएगा तो फिर आपका कॉल डाटा नहीं चलेगा, BSW का अलार्म आएगा, RSS सही आएगा। इससे अच्छा है कि अगर जब आप इंस्टॉलेशन करने से पहले, रूटिंग करने से पहले, आप पहले केबल को लेबलिंग दीजिए, आपको दोनों साइड नंबर क्या है, नंबर 1 2 3 4 5 6 या ABCD, जो 2 3 4 5 6 या ABCD जो भी आपको देना है आप नंबर दे दीजिए, ताकि आप ऊपर में जो केबल कनेक्ट कर रहे हैं सेम आपको नीचे में ही कनेक्ट करना है। ये तो ये चीज आपको ध्यान में रखेगा। तो इसमें ये इस रेडियो से मेरा तीनों सेक्टर चलेगा। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियो को हम पावर देंगे FSMF से, या आप DC-DB से दे सकते हैं। और FSMF को पावर आपको तो DC-DB से ही देना है, ठीक है। और इसको रेडियो और सिस्टम मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल केबल यूज करते हैं, और FOSH-SFP, आप ASFP देख सकते हैं, ये ASFP हम यूज करते हैं। और मेक श्योर दैट SFP शुड बी सेम ऑन बोथ एंड, आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको SFP जो है FOSH ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप FOSI यूज कर लीजिए वहाँ, यहाँ और यहाँ पे FOSH, तब आपका RF मॉड्यूल डिटेक्ट नहीं करेगा आपके सिस्टम मॉड्यूल में। तो ध्यान दीजिएगा, SFP सेम होना चाहिए दोनों साइड। मैंने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि SFP दोस्तों चेंज मत करो, आप लगाने से पहले, इंसर्ट करने पहले SFP का नंबर देखो, SFP का नेम देखो, सेम है या नहीं है। ओके, अगर डिटेक्ट नहीं करता है एक बार चेक इन चेक आउट करो, फिर दूसरे SFP सेम SFP आप इंसर्ट करो। अगर फिर भी आपका RF मॉड्यूल डिटेक्ट नहीं करता तो अपना RF मॉड्यूल को हार्डवेयर रीसेट दो, पावर बंद करो और उसके बाद चालू करो। जैसा मैंने आपको बताया कि जो यहाँ से आप अगर जो आपका RF मॉड्यूल है, क्योंकि आपका RF मॉड्यूल नीचे में इंस्टॉल है, बॉटम में इंस्टॉल है, क्योंकि आप फीडर केबल यूज कर रहे हैं, तो आप ये जो FSMF में जो आपका पावर का पोर्ट रहता है यहाँ से भी पावर आप दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कनेक्टर लगेगा आपको, ठीक है, पावर केबल के कनेक्टर टाइप का लगेगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब जिससे आप यहाँ पे DC-DB में कनेक्ट करते हैं वहाँ पे ऐसा ही आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको इनबिल्ट कनेक्टर होना जरूरी है आपके पावर केबल में, जैसे हम लोग FLEXBTS में यूज करते हैं SMA से TRS के बीच में। तो दोस्तों कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है आपका 3G टेक्नोलॉजी और 2G टेक्नोलॉजी का, जो अगर आप फीडर केबल यूज कर रहे हैं आपका सिर्फ रेडियो चेंज होगा। और ये इंडियन स्टैंडर्ड है, आप ज़्यादातर आपको इंडिया में एयरटेल वोडाफोन इसी तरह का इंस्टॉलेशन करता है, ठीक है दोस्तों। ये भी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।